नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। अगर आपने रिपोर्टर जी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक और कमेंट्स करना तो बिल्कुल ना भूलें। 2024 के विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद अब हरियाणा में बीजेपी इतिहास रचते हुए तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। एक बार को ये लग रहा था, तमाम एग्जिट पोल सर्वे ये कह रहे थे कि इस बार हरियाणा में बीजेपी नहीं कांग्रेस सरकार बनाएगी, लेकिन बीजेपी ने एक बार फिर यह साबित किया कि वो हारी हुई बाजी को भी जीतना जानती है। वो एक ऐसी खिलाड़ी है जो कब पासा पलट दे किसी को भी समझ में नहीं आता, और हरियाणा में कुछ ऐसा ही हुआ। अब सबसे बड़ी चर्चा इस बात की है कि नायब सिंह सैनी जब मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे तो उनके मंत्रिमंडल में कौन कौन से ऐसे चेहरे होंगे जिन्हें शामिल किया जाएगा, यानी कि मंत्रिमंडल में कौन कौन से ऐसे विधायक है जिनकी लॉटरी लग सकती है, कौन से ऐसे विधायक है जिनकी दावेदारी सबसे मजबूत मानी जा रही है। तो एक एक कर उन तमाम चेहरों पर बातचीत करेंगे। सबसे पहले जो सबसे बड़ा नाम है वो है अनिल विज का। अनिल विज ने लगातार एक के बाद एक अंबाला कैंट से चुनाव लड़े और वो विधायक बने हैं, और सबसे बड़ा चेहरा भी अनिल विज को माना जाता है। इसके अलावा मनोहर लाल के बाद हरियाणा में दूसरा बड़ा पंजाबी चेहरा भी अनिल विज है। लेकिन यहां एक बड़ा संकट है, अनिल विज साहब क्या मंत्री पद को एक्सेप्ट करेंगे बीजेपी की तरफ से जो उन्हें मंत्री पद ऑफर किया जाएगा? क्योंकि जब नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया गया था, मनोहर लाल खट्टर को मुख्यमंत्री के पद से हटाकर, तो अनिल विज साहब बेहद नाराज थे इस बात को लेकर कि वो सीनियरिटी और अनुभव के मामले में सबसे ज्यादा सीनियर है, उनका मेरिट के हिसाब से मुख्यमंत्री का दावा बनता था, लेकिन नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बना दिया। लेकिन जो ऑफर यानी कि जो मंत्री पद उन्होंने तब नहीं एक्सेप्ट किया, तो क्या इस बार अब दूसरी टर्म में नायब सिंह सैनी की दूसरी टर्म में वो इस पद को एक्सेप्ट करेंगे, ये भी देखना खासा दिलचस्प होगा। लेकिन यह भी माना जा रहा है कि अनिल विज को बड़ा और मजबूत मंत्रालय दिया जा सकता है बीजेपी की तरफ से, क्योंकि बीजेपी के सबसे पुराने नेताओं में शुमार करते हैं, और मनोहर लाल सरकार में भी गृह मंत्रालय जैसा महत्वपूर्ण पद जो है वो अनिल विज के पास था। लेकिन मनोहर लाल खट्टर और अनिल विज के बीच की तनातनी से भी सभी वाकिफ थे, क्योंकि उस दौरान भी अनिल विज साहब को कहीं ना कहीं ये बात थी कि लगातार हरियाणा में बीजेपी को वो आगे बढ़ाने का काम कर रहे, और ऐसे में पहली बार विधायक बने मनोहर लाल को कैसे मुख्यमंत्री बना दिया, और यही स्थिति नायब सिंह सैनी के साथ भी अनिल विज साहब की देखने को मिली थी। तो खैर, लेकिन मंत्री पद की लिस्ट में सबसे ऊपर नाम जो है अनिल विज का है, और उसके बाद जो नाम है वो है राव नरवीर सिंह का। राव नरवीर सिंह की भी दावेदारी मजबूत मानी जा रही है। अमित शाह जब चुनाव के बीच जनसभा को संबोधित करने के लिए आए थे, उन्होंने खास तौर से इस बात का संकेत और इशारा दिया था कि आप राव नरवीर सिंह को जिताकर विधानसभा में भेजिए, इन्हें बड़ा मंत्रालय या यूं कहे बड़ा आदमी बनाने की जिम्मेदारी मेरी होगी। विधानसभा बादशाहपुर से रिकॉर्ड वोट से 2024 का विधानसभा चुनाव राव नरवीर सिंह ने जीता है। मनोहर सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे हैं। 2014 में भी बादशाहपुर से बीजेपी की टिकट से चुनाव लड़ा था, जीत हासिल की थी और कैबिनेट मिनिस्टर बने थे। लेकिन 2019 में बीजेपी ने टिकट नहीं दिया, 5 साल का इंतजार किया, और 2024 में राव नरवीर सिंह ने बता दिया कि वो राजनीति के बादशाह है, कि किस तरह से वो उन्हें जब भी मौका मिलेगा वो अपनी पारी को बेहतर तरीके से जीतना जानते हैं। इसके बाद अगला नाम है महिपाल ढांडा का। पानीपत ग्रामीण से लगातार तीसरी बार विधायक बने हैं महिपाल ढांडा। जाट समाज से आते हैं, पिछली टर्म में पंचायत मंत्री रहे थे, इस बार भी इनकी दावेदारी इसीलिए मजबूत मानी जा रही है। इसके अलावा पूर्व सीएम मनोहर लाल के करीबी भी है और उनके संसदीय क्षेत्र से आते हैं, तो महिपाल ढांडा का जो है वो अगला नाम है। इसके बाद अगले नाम की बात करें तो महिला चेहरे के तौर पर कृष्णा गहलावत का नाम भी मंत्रिमंडल के तौर पर खासी चर्चाओं में है, और संभावित मंत्रियों की लिस्ट में ये भी काफी ऊपर हैं। कृष्णा गहलावत को भी नायब सिंह सैनी अपने मंत्रिमंडल में शामिल कर सकते हैं, इस बात की भी पूरी पूरी संभावना है। राय से विधायक बनी है, राजस्थान के राजनीतिक मिर्धा परिवार से रिश्तेदारी है, जाट और महिला दोनों का फायदा इन्हें मिल सकता है, और नायब सिंह सैनी के मंत्रिमंडल में बतौर राज्य मंत्री इन्हें शामिल किया जा सकता है। तो ये तमाम वो चेहरे हैं जिनके नाम पर यूं कहिए लगभग लगभग मोहर लग चुकी है, बस ऑफिशियल अनाउंसमेंट का इंतजार भर है। इसके बाद सुनील सांगवान जो है
वो अगला नाम है इस लिस्ट में। चरखी दादरी में कमल खिलाने वाले सुनील सांगवान पुराने राजनीतिक परिवार से हैं, पिता सतपाल सांगवान पूर्व मंत्री रहे हैं और खास बात राम रहीम को 6 बार पैरोल देने के मामले में चर्चाओं में आए थे। दादरी की दोनों सीटों पर इस बार बीजेपी जीतने में कामयाब रही है, तो सुनील सांगवान का नाम भी मंत्रियों की लिस्ट में शामिल करने को लेकर चर्चाओं में है। इनकी दावेदारी भी खासी मजबूत मानी जा रही है कि इन्हें भी नायब सिंह सैनी के मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। इसके बाद अगला नाम है अरविंद शर्मा का। 2019 में रोहतक से दीपेंद्र हुड्डा को हराकर सांसद बने थे और इस दौरान खासी चर्चाओं में आए थे क्योंकि ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा का गढ़ था और इसी गढ़ में सेंधमारी अरविंद शर्मा ने की थी। लेकिन 2024 का लोकसभा चुनाव अरविंद शर्मा हार गए थे, उसके बावजूद पार्टी ने उन्हें विधानसभा चुनाव में गोहाना विधानसभा से टिकट दी और यहां से अरविंद शर्मा जीतने में कामयाब हुए। अमित शाह के नजदीकी रहे हैं, सोनीपत जिले से मंत्री इन्हें बनाया जा सकता है, तो अरविंद शर्मा के नाम पर भी खासी चर्चा है और इनका नाम भी बताया जा रहा है कि करीब करीब लिस्ट में शामिल कर दिया गया। इसके बाद है मुकेश शर्मा। मुकेश शर्मा के नाम पर भी मोहर लग सकती है। गुरुग्राम विधानसभा से रिकॉर्ड वोटों से जीत दर्ज की थी, राव इंद्रजीत के करीबी है। ब्राह्मण चेहरा और गुड़गांव के लोग लगातार ये मांग कर रहे हैं कि पिछले दो टर्म से यानी कि 2014 और 2019 में बीजेपी के विधायक तो यहां से बने लेकिन किसी को भी मंत्री नहीं बनाएगा 2024 में। अब जो विधायक चुनकर उन्होंने दिया है उसे मंत्री बनाए ताकि वो मजबूती से काम कर सके क्योंकि बहुत सारी दिक्कतें परेशानी गुड़गांव विधानसभा में है। इसके बाद अगला नाम है विपुल गोयल का। विपुल गोयल फरीदाबाद से विधायक चुने गए हैं, मनोहर लाल के पहले कार्यकाल में उद्योग मंत्री थे, कैबिनेट मंत्री के रूप में काम करने का अच्छा अनुभव है। गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर के करीबी है। 2019 में मनोहर लाल खट्टर से जो चर्चाएं हैं खटपट की वजह से इनकी टिकट कट गई थी लेकिन इस बार बीजेपी ने सबक लेते हुए उन तमाम बड़े चेहरों को 2024 के विधानसभा चुनाव में टिकट दी जिनके 2019 में काट दी थी और विपुल गोयल की दावेदारी भी सबसे मजबूत मानी जा रही है। उन्हें भी नायब सिंह सैनी के मंत्रालय में शामिल किया जा सकता है, मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। अगला नाम है रणवीर गंगवा का। हरियाणा में बड़ा ओबीसी चेहरा है, कुम्हार समाज से आते हैं, हरियाणा में ओबीसी वर्ग को साधने का काम इन्होंने किया है, जगह जगह सम्मेलन और कार्यक्रम किए, बरवाला से पहली बार कमल खिलाया। मनोहर लाल और नायब सिंह सरकार में डिप्टी स्पीकर के पद पर रहे और आपको बता दे कि डिप्टी स्पीकर हरियाणा के इतिहास में जब जब जो विधायक बनाए वो अगले टर्म में जीता नहीं है यानी कि उसे हार का मुंह देखना पड़ा है अब तक का इनसे पहले का जो इतिहास रहा है। लेकिन रणवीर गंगवा ने डिप्टी स्पीकर के सर के ऊपर जो श्राप था हार का उसे खत्म करने का काम किया है और अब ये एक माना जा सकता है कि अब जो भी डिप्टी स्पीकर बनेगा उसे जरूरी नहीं है कि हार का सामना करना पड़े। इसके बाद अगला नाम है हरविंदर कल्याण का। हरविंदर कल्याण की बात करें तो ये रोड समाज से आते हैं, इस समाज के पानीपत और करनाल में अच्छे खासे वोटर हैं। कल्याण तीसरी बार लगातार घरोंडा से विधायक बने हैं और स्पीकर के पद के लिए हरविंदर का चयन हो सकता है, इस बात की चर्चाएं हैं और मनोहर लाल खट्टर के खासे करीबी माने जाते हैं और उस लिहाज से इनको भी शामिल किया जा सकता है। इसके बाद है राम कुमार गौतम, दादा गौतम, ये भी हरियाणा के एक बड़े ब्राह्मण चेहरा है और जीन से आने वाली सफीदो सीट इन्होंने जीती है। पिछली बार जेजेपी कोटे से मंत्री बनना था लेकिन मंत्री नहीं बन पाए थे और उसके बाद लगातार दुष्यंत चौटाला को लेकर बयानबाजी जो है वो राम कुमार गौतम करते आए थे लेकिन इस बार नायब सिंह सैनी की कैबिनेट में इनकी लॉटरी लग सकती है, इस बात की भी चर्चाएं है। इसके बाद है कृष्ण बेदी, वाल्मीकि समाज से आने वाले नेता है, मनोहर लाल सरकार में शाहबाद से विधायक चुने गए, इसके बाद सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग में मंत्री बने, इसके बाद मनोहर लाल की टीम में भी ये रहे और नायब सिंह सैनी और मनोहर लाल दोनों के करीबी है और सरकार में बड़ी जिम्मेदारी इन्हें भी मिल सकती है यानी कि जब शपथ ग्रहण समारोह होगा तो ये भी स्टेज के ऊपर आपको नजर आ सकते हैं। लक्ष्मण यादव रेवाड़ी से विधायक बने हैं, इससे पहले बात करें रेवाड़ी से विधायक बने हैं, कांग्रेस के जो विधायक है रेवाड़ी से थे चिरंजीव राव, उनको इन्होंने हराया 2024 के विधानसभा चुनाव में। इससे पहले
कोसली से विधायक चुने गए थे, यानी कि 2019 के विधानसभा चुनाव कोसली से लड़ा था और वहां से भी जीते थे। राव इंद्रजीत और मनोहर लाल दोनों के करीबी माने जाते हैं। अहिरवाल के महत्वपूर्ण जिले रेवाड़ी से इनको प्रतिनिधित्व दिया जा सकता है, तो इनके नाम की भी चर्चा मंत्रिमंडल में शामिल करने को लेकर चल रही है, जो लिस्ट फाइनल हो रही है उसमें। इसके बाद है कृष्ण पवार, दलित समाज से आने वाले दूसरे बड़े नेता जो है वो कृष्ण पवार है। राज्यसभा सांसद के पद से इस्तीफा देकर पानीपत की इसराना विधानसभा से विधायक का चुनाव लड़ा और जीते, इनको मंत्री बनाकर दलितों को साधने की कोशिश जो है वो बीजेपी कर सकती है, जो कि लोकसभा चुनाव में देखने को मिला था कि जो दलित वोटर है वो खासे नाराज थे बीजेपी से, लेकिन विधानसभा चुनाव में खैर चीजें स्थिति बदली है और इन्हें मंत्री बनाकर दलित वोटर्स को साधने की कोशिश यहां पर बीजेपी कर सकती है। इसके बाद अगला नाम आता है विनोद भयाना का, पंजाबी समाज से आने वाले विधायक है। हासी से लगातार तीसरी बार विधायक चुने गए हैं, मनोहर लाल के करीबी हैं। दो टर्म में कोई भी बड़ी जिम्मेदारी सरकार में इन्हें नहीं मिली थी, ऐसे में उम्मीद लगाई जा रही कि इस बार इनका नंबर आ सकता है, इनकी लॉटरी लग सकती है। तो तमाम ये वो चेहरे हैं जिनके नामों पर चर्चा चल रही है और करीब करीब इनमें से काफी ऐसे चेहरे हैं जिनके नाम फाइनल हो चुके हैं, बस सिर्फ इंतजार है ऑफिशियल अनाउंसमेंट का, जब ये साफ हो जाएगा कि नायब सिंह सैनी के साथ कौन कौन से वो विधायक है जो मंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। आपको क्या लगता है हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। रिपोर्टर जी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।